नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज बिहार। सीबीएसई द्वारा आयोजित स्टेट दिसंबर 2022 की परीक्षा में जय गुरु सेटेट क्लासेस फारबिसगंज मुकेश यादव कॉम्प्लेक्स के अभ्यर्थियों ने शानदार सफलता पाई है। संस्थान के छात्रों में अजित कुमार 127, नाज 124, आसमा 124, मैनाज 123, ज्योति 121, यश आनंद 116, अनिता 116, नूतन 115, पिंकी खातून 116, शम संदीप रुखसर, परमजीत, पूजा, अंजू रानी, नायब प्रियंका, कोमल, सानिया, करिश्मा, स्वीटी, राजमणि, रुपेश, संजीत, अर्पिता, कल्पना, निर्जरा, सबेरा, अलका, प्रिया, दीपक, नेहा, दीपेश, सलमान, इन सभी ने 110 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसके अलावा निसार, विकास, पंकज, प्रभाकर, निर्जला, रोहित, राजा, प्रिया, जूली, रघुनंदन, अवधेश, आनंद, विभूति, शहाबुद्दीन, रोहित, निसार, अंजलि, नाहिदा, दिवाकर, मधु, नविता, शमा, नरेश, नागेश्वर, आविष्कार, दीपा, सैकड़ों छात्रों ने 100 से अधिक अंक लाकर गौरवान्वित किया है। इसके अलावा प्रीति, रेशमा, कल्पना, रीचा, बिनिता, आशु, राशिद, लाभलेस, बिट्टू, अखिलेश, राहुल, रितेश, नुसरत, सोनी, आजाद, वसीम, निकिता, नेहा, अंगूरी, खुशबू, सुभाष, एहसान, अक्रम, पीताम्बर, संध्या, गूंजा, प्रभाष, काजल वर्मा, आशीष, अरविंद, सरिता, ओम प्रकाश, विपिन, गौतम आदि जिज्ञासा कर, ओम प्रकाश, काजल, फिर करण, सुनील, खुर्शीद, सारिका, साक्षी, गौतम आदि छात्रों ने कठिन परिश्रम करके शानदार सफलता अर्जित की है। संस्थान के मार्गदर्शन कुमार परीक्षित ने बताया कि संस्थान से अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 200 से अधिक छात्र अध्यापकों ने सफलता प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण परिदृश्य एवं सुदूर देहाती इलाकों से आने वाले छात्रों ने अपने मेहनत और लगन से सफलता अर्जित की है। हमारे संस्थान में अब सीमांचल के सभी जिलों से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। विगत वर्ष एवं वर्तमान में शानदार रिजल्ट से संस्थान के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। आसपास के सटे जिले पूर्णिया, सुपौल, किशनगंज से भी बच्चे हमारे संस्थान में पढ़ने आ रहे हैं। हमारे शहर फारबिसगंज के लिए गौरव की बात है। हमारे अनुभवी शिक्षकों की टीम के सही मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि आज छात्रों ने सीमांचल का मान बढ़ाने का काम किया है। हमारे क्षेत्र के बच्चे सुविधा के अभाव में प्रतिभा रहने के बावजूद भी अवसर से चूक जाते हैं। हमारा प्रयास है कि अपने शहर में एक बेहतर अधिगम अवसर उपलब्ध कराकर अभ्यर्थियों को प्रतिभा अनुरूप प्रदर्शन का अवसर उपलब्ध कराएं। आज हमारा प्रयास सफल होता दिख रहा है। हमारे संस्थान के अभ्यर्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर हमें गौरवान्वित किया है। संस्थान के शिक्षक विनोद कुमार ने बताया कि संस्थान के कुशल प्रबंधन और छात्रों के लगन, कठिन परिश्रम, हम सबके सफल मार्गदर्शन से यह संभव हो सका है। संस्थान के को डायरेक्टर एन के माधव ने बताया कि रिजल्ट अररिया समूचे सीमांचल के बीएड एवं डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। छात्रों को सीटेट की तैयारी के लिए हम इससे भी बेहतर माहौल उपलब्ध कराएंगे। संस्कृत शिक्षक सुखदेव सर ने बताया कि संस्थान छात्रों के मेहनत और लगन का ही प्रतिफल है। वहीं उर्दू शिक्षक इमाम हुसैन ने संस्थान के कुशल प्रबंधन को सारा श्रेय दिया है। ओम प्रकाश सिंह की फारबिसगंज से यह खास रिपोर्ट। ये स्टूडेंट पास हुए हैं, ये हम सबसे पहले जिसके नाम पे ये संस्था है गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ उन्हीं के कृपा दृष्टि से। और हमारे जो ये बच्चे हैं इनके लगन और मेहनत के बल पे इन्होंने जिंदोर मेहनत किया है, जिसके बल पे संस्था का रिजल्ट बहुत बेहतर रहा है और पिछले बार से बेहतर हम लोगों ने रिजल्ट दिया है। और इसके लिए हम अपने सभी शिक्षकों को, हमारे जो योग शिक्षकों की टीम है उनमें हमारे इमाम साहब, सुखदेव सर, विनोद सर, सभी लोगों को हम आभार व्यक्त करते हैं। इन लोगों ने बेहतर अनुभव का, अपने अनुभव का प्रयोग करते हुए छात्रों को इस तरह से प्रोत्साहित किए कि बच्चे मेहनत किए और सफलता को प्राप्त किए। देखिए परसेंटेज की बात क्या करें, हम जो रिजल्ट है वो आप देख ही रहे हैं और दिख ही रहा है। इतने बड़े व्यापक पैमाने पर रिजल्ट होना ये अपने आप में बहुत ही गौरव का क्षण है। इसका सारा क्रेडिट हम अपने शिक्षकों की टीम को और हमारे जो लगनशील मेहनती बच्चे हैं, क्योंकि ये ग्रामीण परिदृश्य के बच्चे हैं, ये ग्रामीण पृष्ठभूमि से उठ करके आए हैं और ये वो बच्चे हैं जो सुविधा के अभाव में वंचित रह जाते हैं। आज ग्रामीण परिदृश्य के बच्चे भी उठ करके आ रहे हैं और शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। आज आपने कितने छात्रों को सम्मानित किया? आज हमारे यहाँ तकरीबन 200 छात्रों को सम्मानित लगभग किया गया है, चूँकि 150 को किए हैं और 50 बच गया जिनको अभी सम्मानित किया जाएगा। और ये बहुत ही गौरव का क्षण है और जो भी बच्चे बच गए हैं उन सभी को अभी सम्मानित किया जाएगा, किया जाना बाकी है। कुमार परीक्षित। अच्छा,
अच्छा अभी मेरा दर्शक को जो जो देख रहा है उनसे आप क्या कहना चाहते हैं मेरे चैनल के? हम यही कहना चाहेंगे, सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे, आप लोग यहाँ तक आए और न्यूज कवर किए, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत साधुवाद। और जो लोग देख रहे हैं उनको यही कहना चाहेंगे कि शिक्षा वह हथियार है जो आपके लाइफ को परिवर्तित कर सकता है, और सभी लोग पढ़ें, सभी शिक्षित हों और समाज निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करें। बहुत धन्यवाद कि आप इस क्षण में यहाँ आए। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने स्टूडेंट को जिन्होंने जो हम लोगों के बताए मार्ग पर चला और ये ज़बरदस्त सफलता हासिल किया है। और हम लोगों का इसमें इतना ही रोल होता है कि हम लोग इसको सही रास्ता दिखाते हैं, कैसे आपको एग्जाम क्रैक करना है, कैसे पास करना है, बाकी ये लोगों का मेहनत का ही परिणाम होता है, इतना अच्छा रिजल्ट इस संस्थान से होता है। मैं इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूं, और इसके जो संचालक जो हमारे परीक्षित सर है उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है इसमें, मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ इसमें जितने भी शिक्षक हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। बस इतना ही। हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या कहना चाहिए? हम दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि आप इससे जुड़िए, जो भी शिक्षित हैं, जो भी पढ़े लिखे हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, इससे जुड़िए, आप जरूर सफलता प्राप्त कीजिएगा और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिएगा। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम विनोद कुमार,